तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक एचआर प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ हम बातचीत करेंगे। अब प्रोजेक्ट क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। बेसिकली मैं एक एचआर में काम करता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक एचआर में काम करता है, उसका काम है रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर उसको डेटाबेस में एंट्री करना और फिर उसको कॉल करके बुलाना। कंपनी कहती है कि पहले आप चेक कीजिए कि जो कम जिसको आप बुला रहे हैं क्या वो 6 महीना से 6 महीना के पहले तो नहीं आया हुआ है, मतलब कि आप एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो क्या 6 महीने का गैप है? दूसरा, उसने उस समय जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन अभी जो दे रहा है उससे मैच करता है कि नहीं करता? जैसे मान लीजिए 6 महीने उसने बोला था कि वो 12th में पढ़ रहा है, 6 महीने बाद बोल रहा है कि वो मैं ग्रेजुएट कर लिया, इसका मतलब है गलत है, क्योंकि 6 महीने में ग्रेजुएशन तो होगी नहीं। 6 महीने पहले उसने बोला था 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये बता रहा है 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये गलत है। 6 महीने बाद पहले था बताया था कि उसकी ABC कंपनी है और अभी बता रहा है कि उसकी कंपनी XYZ है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में जो दो जॉब छोड़ के तीसरा जॉब पकड़ रहा है, इसका मतलब कि वो स्टेबल नहीं रहेगा ऑफिस में। तो इन सब फैक्ट को जी चेक करने के लिए एक आपको डेटाबेस उसका ट्रैकर बनाना है। तो रिज्यूम का सबसे पहले हम बनाएंगे डेटाबेस। जब भी कोई रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसके अंदर इसके अपने सिस्टम के अंदर डालेंगे। तो एक आईडी, क्योंकि हर बार डेटा में एक आईडी बनाना जरूरी होता है, एक आईडी बनाते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ओके, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, लास्ट कंपनी, ठीक है ना सर? लास्ट कंपनी, फर्स्ट अजेंडे अजेंडे एक्सपेक्टेड सैलरी, कंपनी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सैलरी? उसके बाद लास्ट इंटरव्यू कब हुआ था, स्टेटस क्या था, लास्ट इंटरव्यू कब हुआ था और किसके द्वारा लिया गया था, शॉर्ट हेडिंग दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से हेडिंग दीजिएगा। स्टेटस क्या था और रिमार्क्स क्या है इसके, ये डेटाबेस। जैसे मान लीजिए कि आईडी नंबर 1 पूजा ने लिया, पूजा का फादर नेम मान लीजिए अमर है, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1900 है, मोबाइल नंबर हो गया 9968881487, ईमेल आईडी है abc@gmail.com, एड्रेस है मान लीजिए F2021 कानपुर, दिल्ली। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे 12 है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस ओ लेवल है, ओ प्लस। एक्सपीरियंस उसके पास 2 साल का है, लास्ट कंपनी XYZ है, एक्सपेक्टेड सैलरी इसकी 25,000 है, इंटरव्यू मिस्टर रमेश ने लिया था, लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था मान लीजिए 1/1/2022 को हुआ था, मिस्टर रमेश ने लिया था, रिजेक्ट है, रिमार्क्स में नॉट फिट फॉर दिस जॉब, क्या जो भी रिमार्क्स था। तो इस तरह से डेटा एंट्री हो, मैं थोड़ा कम लिखा है लेकिन हो सकता है ज्यादा डेटा एंट्री। तो ऐसे आपके पास कई सारे डेटा होंगे, ऐसे आपके कई सारे डेटा होंगे, राइट सर? अब दूसरा आता है हमारा ट्रैकर, क्योंकि डेटा तो हजारों लाखों में होगा, तो
उसमें से किसी एक को ढूंढना मुश्किल था। तो सबसे पहले तो मैं एक पूरा का पूरा हेडिंग मुझे चाहिए, पूरा हेडिंग चाहिए, तो ट्रैकर में लेके मैं यहाँ पे पूरा डाल, पहले चीज। दूसरा मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करूँगा और ईमेल आईडी के थ्रू सर्च करूँगा, या फिर यहाँ पे हमारा नेम, फादर नेम और DOB, राइट सर, क्लियर है? तो कैसे? क्योंकि तो जैसे मैं पहले मोबाइल नंबर डालूंगा, मोबाइल नंबर से नहीं मिला तो ईमेल आईडी डालूंगा, ईमेल आईडी से नहीं मिला तो फिर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, क्योंकि हो सकता है उसने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया या हो सकता है उसने अपना ईमेल आईडी चेंज कर लिया, लेकिन नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तो नहीं ना चेंज कर पाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? जी, तो कैसे करें? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर? कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आईडी क्रिएट करेंगे, हम लिखेंगे कि एव अगर ए इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो ए इसको शो कर दे, अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इसको शो कर दे, अदरवाइज नेम, दोनों के बीच में नेम हो गया, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ को हमने कंबाइन, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। जैसे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा, यहाँ आ गया सर नंबर, और मोबाइल नंबर डिलीट करके मैंने ईमेल डाला abc@gmail.com, यहाँ आ गया सर, ठीक है। अब डेटा में भी जाना होगा और कट पेस्ट कर दिया मेरे आईडी को, हेडिंग को कट पेस्ट करते हैं गलती से, और यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ यूआईडी का, यूआईडी, और जो फॉर्मूला हमने ट्रैकर पे लगाया है सेम फॉर्म ट्रैकर के इस पे यहाँ लगाया है यूआईडी पे, सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाए, यहाँ लिखेंगे कि इफ और ट्रैकर पे जाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारा मोबाइल नंबर अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो डेटा में आए और डेटा में इसका मोबाइल नंबर शो कर, फिर अगेन इफ किया, ट्रैकर में गए, बोला कि ये ईमेल आईडी अगर इसका ग्रेटर देन 0 है तो डेटा में आए और ईमेल आईडी के शो कर दे, अदरवाइज नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ को आपस में कंबाइन कर, ठीक है सर, देख सकते हैं। सॉरी, एक एक टू उन्हीं हमने 1990 एड सर। अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हम क्या करेंगे, B3 को करेंगे फ्रीज, हम करेंगे E3 को फ्रीज, बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर, अब डेटा हम डालते जाएंगे उस हिसाब से बनते जाएगा। अब यहाँ पे आप वी लुकअप लगा ले तरह से कि वी लुकअप यूआईडी कॉमा डेटा में गए और पूरा डेटा को सेलेक्ट कर कॉमा 2.0, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ 8998811487, वन आ गया, इसको डिलीट किया, ईमेल डालता हूँ abc@gmail.com,
आ गया सर। जी लेकिन प्रॉब्लम है कि ऐसा हो सकता है कि वो दो तीन बार इंटरव्यू दिया हो, क्या जी ऐसा हो सकता है ना? तो उसने दो तीन बार इंटरव्यू दिया हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आप भी लुकअप लिस्टिंग वाला मेथड बताया था वो मेथड इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो फिल्टर फॉर्म, फिल्टर फॉर्मूला में हमने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर, ठीक है। और इंक्लूड में मैं यहां आता हूं यूआईडी, यूआईडी इक्वल टू ट्रैकर में गया और हमने सेलेक्ट कर लिया अपना यूआईडी, एंटर प्रेस किया। अभी 00 आ रहा है ना सर, तो क्या आईडी डाला नहीं, अब यहाँ पे डालिए 8868 11487, डेटा आ गया सर। बट ई प्लस 91 तो नहीं तो आया इसमें। अच्छा हाँ, वो पर प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल नंबर यहाँ शो हो रहा है, मैं मोबाइल नंबर नहीं शो कर रहा था। ए की जगह से हम बी ले लेते, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो डेटा सेलेक्ट करेंगे उसी में हमें इनपुट लगाना है, आप कहीं और भी लगा सकते हैं। अब जिसमें अगर इसमें मल्टीपल टाइम एंट्री होगी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसी इसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है सर, इसमें नंबर 2 आ गया नंबर 2, और मान लीजिए इंटरव्यू डेट जो है हम यहाँ पे 35,000 कर देते हैं, और इंटरव्यू डेट हम मान लीजिए 3 करते हैं, ठीक, रमेश की जगह पे कुणाल। ट्रैकर में देखें आ गया सर 1 और 2, दिख रहा है सर? ठीक है, समझ में आया आपको? जी सर। अभी फाइल में आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लुकअप आपका खत्म हो गया, अब आपको करना है कि हम, मैंने इसको फिल्टर से बनाया ना, बट प्रॉब्लम ये है कि फिल्टर फॉर्मूला जो है सिर्फ आपका लेटेस्ट एक्सेल में वर्क करता है, 2007 और 13 16 पे तो चलेगा नहीं। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि वो 13 16 पे भी वर्क कर जाए, आपको कुछ ऐसा करना है कि 13 16 पे भी वर्क कर जाए, समझ गए?